नमस्कार, गुरुवाणी के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम करता हूं मैं आपका साथी विवेक पारिक। और आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, और ये विषय है फेलियर, असफलता, हार, पराजय। अक्सर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम असफल हो जाते हैं, हम पराजित हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो सपना हमने देखा था वो टूट गया। आपको यह भी लग सकता है कि आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं। ये बात करनी आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप में से कुछ साथियों के एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस हुए होंगे, कुछ एग्जाम देने के बाद ये महसूस कर रहे होंगे कि जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने चाहा था, वैसा उनका पेपर नहीं हुआ। तो ऐसे में खुद को मोटिवेट रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इसी की सीख देने वाला है आज का हमारा ये एपिसोड। आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता, ये कहानी है सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के जीवन की, उनके बचपन की। बचपन में वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और वहां हर साल वार्षिकोत्सव पर एक प्ले होता था, एक नाटक होता था। जिस साल वो पढ़ रहे थे उस साल उस प्ले में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उनका चयन हुआ, लेकिन जिस दिन वो परफॉर्मेंस होने वाली थी उसके कुछ ही रोज पहले उन्हें मिजल्स डिटेक्ट हुए, वो बीमार पड़ गए और हॉस्पिटलाइज हो गए। अमिताभ बच्चन खुद अक्सर इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। मैं कई दिनों से इस सोच में था कि जब अगले साल वार्षिकोत्सव पर यह प्ले होगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसके अंदर रोल करूंगा, मैं उसमें एक्टिंग करूंगा, लेकिन मैं उस परफॉर्मेंस को कर ही नहीं पाया। इस बात की सूचना जब उनके पिताजी हिंदी साहित्य के बड़े महनीय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी तक पहुंची तो वो तुरंत प्रभाव से अपने बेटे से मिलने स्कूल पहुंचे। और उस घटना का जिक्र करते हुए अब भी कई बार बच्चन साहब की आंखें भीग जाती है। वो कहते हैं कि पिताजी हॉस्पिटल में थे, मेरे वार्ड में एंटर हो रहे थे। हॉस्पिटल स्कूल के ऑडिटोरियम के बिल्कुल नजदीक था, ऑडिटोरियम से आवाज आ रही थी उसी नाटक के उसी किरदार द्वारा बोले हुए उन डायलॉग्स की जो मैं बोलने वाला था, और अपने पिताजी को देखकर मैं रोने लग गया। तब हिंदी साहित्य के वो महनीय कवि अपने बेटे को रोते हुए देखकर उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि बेटा, मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो तुम्हारे मन का नहीं हो रहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है। याद रखिए कि यदि आप इस समय अपने वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच पाए तो ये इस यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि आई फेल Try, fail again until you succeed, यही मिशन है, यही एक तरीका होता है असफलता से सफलता तक जाने का। असफलता महज ये बताती है कि प्रयास हो सकता है हमने पूरे मन से नहीं किया। असफलता ये भी बताती है कि हो सकता है कि नियति नहीं चाहती कि हम अभी उस लक्ष्य तक पहुंचे। ख्वाब तेरे बन पाए हकीकत इसकी तुझ में चाहत नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है रब की तुझे इजाजत नहीं है। कोशिश कर नाकाम रहे तो उसकी दो ही वजह होती है, या तो तुझ में शिद्दत नहीं है या फिर तुझ में कुव्वत नहीं है। आज इस क्षण पर मैं कविवर गोपाल दास नीरज जी की एक सुप्रसिद्ध रचना आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इस रचना का शीर्षक है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला टूट गई तो क्या है? जो हमारे सपनों की अरमानों की माला थी, मान लीजिए टूट गई। माला टूट गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों,
कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहां पर। याद रखिएगा, ईश्वर यदि संभावनाओं का एक द्वार बंद करता है तो संभावनाओं के 100 द्वार खोलता भी है। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंद फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। याद रखिएगा, आपकी जीत, आपकी हार, आपकी सफलता, आपकी असफलता से भी ऊपर है आपके अंदर की वो लगन, आपके अंदर की वो जिजीविषा, आपके अंदर प्रयास करते रहने का वो साहस। क्योंकि आप, आपका जीवन, आपकी सफलता और असफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतिम दो पंक्तियों के साथ विदा ले रहा हूं, और वो पंक्तियां हैं कि परिणामों की चिंता ना कर, चलते जाने का मंत्र यही है। परिणामों की चिंता ना कर, चलते जाने का मंत्र यही है। एक जीत शुरुआत नहीं है और एक पराजय अंत नहीं है। एक पराजय अंत नहीं है। एक बार यदि आपको लग रहा है हारे हैं, तो फिर से मेहनत करेंगे, बाउंस बैक करेंगे और विजयी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।